हेलो बच्चों, आज हमने पढ़ना है क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ में जो बदलाव आते रहते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर होने वाले बदलाव के बारे में पढ़ना है। हमने पिछले चैप्टर में अर्थ पर जो अलग अलग स्फीयर है, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया है, तो हम आज सिर्फ पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, यानी भूमंडल, यानी जमीन। तो अर्थ की जो जमीन है ये समय समय पर बदलती रहती है, और वो बदलाव आता है लिथोस्फीयरिक प्लेट्स के कारण। लिथोस्फीयरिक प्लेट्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पृथ्वी पर भूकंप आ जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो उनसे भूकंप पैदा होता है, वो यही प्लेट्स होती हैं। उन्हीं प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फीयरिक प्लेट्स, जिनके आपस में टकराने से भूकंप आता है। और ये प्लेट्स भूकंप भी नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी से हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं। तो ये बदलाव किसी शक्ति के कारण ही आएंगे, तो उन शक्तियों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये जो एंडोजेनिक है, इसका मतलब होता है पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाली फोर्सेस, यानी जो हमारी सरफेस है, यानी मान लीजिए अगर ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का क्रस्ट हो गया, तो इस क्रस्ट के अंदर जो भी फोर्स पैदा होगा उसे एंडोजेनिक कहेंगे, और अर्थ के ऊपर कोई भी फोर्स पैदा होगा तो उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। अब इस एंडोजेनिक फोर्स में दो तरीके से काम होता है, दो तरीके से फोर्स लगते हैं। एक होता है सडन फोर्स, यानी एकदम फोर्स लगना एक झटके के साथ, और दूसरा होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स, यानी वो फोर्स जो धीरे धीरे लगता रहता है। ये फोर्स तब लगता है जब दो प्लेट्स टकराती हैं, और ये फोर्स लगातार लगता रहता है क्योंकि हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं मूवमेंट करती रहती हैं, ये हमेशा ये चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, इस वजह से ये फोर्स हमेशा लगता रहता है। और सडन फोर्स, तुरंत लगने वाला फोर्स है, वो तब लगेगा जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगे। अब इस फोर्स से होता क्या है, इस फोर्स से तीन चीजें होती हैं। पहला है वोल्केनो, वोल्केनो के बारे में हम सबने पढ़ा है, जाना है, टीवी में, इंटरनेट पर, किसी मूवी में या फोटो में देखा भी होगा। इसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। अभी इसके बारे में वीडियो के आगे में डिटेल में समझेंगे। दूसरा है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को तो हम सभी ने महसूस भी किया होगा, कभी ना कभी अर्थक्वेक आते रहते हैं, यानी भूकंप। और उसके बाद होता है लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड पहाड़ी इलाकों में ही आता है, इसको हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं। उसके बाद है डायस्ट्रोफिक फोर्स। डायस्ट्रोफिक फोर्स से किसी पहाड़ का निर्माण होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स। ये बिल्डिंग माउंटेन कैसी है, आप समझिए जो हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पर पहले पर्वत नहीं था, यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था। जब प्लेट्स वहां पर मूवमेंट शुरू हुई तो करोड़ों साल पहले वहां एक पर्वत बना, पर ऐसा कहा जाता है कि आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है। तो ये है हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों से बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पर। ये फोर्सेस होते हैं जो पृथ्वी के बाहर मूवमेंट से होंगे,
तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इरोजन और एक होता है डिपोजिशन। इरोजन यानी कटना और डिपोजिशन माने इकट्ठा होना। अब इन दोनों फोर्सेस से एक साथ ही काम होता है, यानी कभी भी अलग अलग फोर्स काम नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इसको जो चलाने वाली चीजें हैं वो हैं एयर और वाटर। अब वाटर से यानी रिवर, सी या ग्लेशियर, ऐसे ही जो एयर है इसमें आती है विंड। इन एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आते हैं हम हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस पर। तो जैसा कि मैंने बताया डायस्ट्रोफिक फोर्स लगातार होते रहते हैं, चलते रहते हैं और इससे माउंटेन्स का निर्माण होता है। माउंटेन्स टूटते भी रहते हैं, जैसे कि अरावली विश्व का सबसे पुराना पहाड़ है और धीरे धीरे वो उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। मेन हमें पढ़ना है सडन फोर्सेस के बारे में, जो कभी भी हो सकते हैं, कभी भी जो फोर्सेस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, अभी जो वोल्केनो होता है मान लीजिए ये एक वोल्केनो है, ये अर्थ के ऊपर है। अब हमारी जो अर्थ है इसके नीचे लावा होता है, मानते हैं कि हम ये लावा है, ये सारी जमीन है और इस जगह पर जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई है जहां से जो लावा है वो थोड़ा ऊपर आ गया। अब हमारे घरों में पाइप होती है पानी की, जिससे हम पौधों को पानी देते हैं या अपने कूलर से पानी भरते हैं। मान लीजिए ये एक पाइप है जिसके अंदर से पानी बह रहा है और इस पाइप पर यहां पर हमने एक छेद कर दिया, छेद होने के बाद भी क्या पानी आगे बढ़ता रहेगा? नहीं ना, पानी इस जगह से बाहर निकलना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह वोल्केनो के अंदर होता है। वोल्केनो के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक छेद है और जैसे ही लावा बहेगा और उसे कुछ छेद मिलेगा तो लावा जो है छेद से बाहर आना शुरू कर देगा। अब क्योंकि बहते हुए लावा में प्रेशर है, ये ताकत से बह रहा है, तो जब यहां से बाहर निकलेगा तो आराम से नहीं निकलेगा, एक ब्लास्ट के साथ बाहर निकलेगा और यहां पर ऊपर बहुत सारा धुआं पत्थर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसको हम वोल्केनिक ब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस बहने वाले लावा की स्पीड कम हो जाती है और वो ऊपर तक नहीं आ पाता, तो वो लावा क्या करता है, यहीं कहीं से अपना रास्ता बना लेता है और पहाड़ को तोड़कर धीरे धीरे यहीं से बहने लगता है, ऊपर ऊपर बह जाता है। इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि वोल्केनो से लावा का बाहर निकलना। ये होता तब है जब इस लावा कोई स्पीड में अंदर आता है। अगर लावा बहुत ही स्लो बहेगा तो वो यहां से बाहर निकलेगा ही नहीं, वो इस वोल्केनो के नीचे से बहता रहेगा। अगर लावा की स्पीड ज्यादा तेज हो गई तो एकदम तेजी से ब्लास्ट के साथ बाहर आएगा, और अगर लावा की स्पीड मीडियम रहती है तो लावा वोल्केनो के आसपास कहीं से ही छेद बनाकर अपने आप बहना शुरू कर देगा। यह मूवमेंट भी डिपेंड करती है प्लेट्स के अंदर, जिस मूवमेंट से प्लेट्स मूव करेंगी उसी मूवमेंट से लावा भी बहेगा। तो अल्टीमेटली अगर कहा जाए हमारे वोल्केनो के अंदर भी प्लेट्स का ही मेन रोल होता है। और वोल्केनो में हमारे तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है हमारा एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो यानी जो कभी भी फट सकता है, इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी भी बोलते हैं। दूसरा होता है सुसोप्त, ये ज्वालामुखी कल फटने का कोई टाइम नहीं होता, देखने में लगता है कि ज्वालामुखी अभी नहीं फटेगा लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है। और तीसरा है निष्क्रिय, यानी कि उस
वोल्केनो के अंदर अब लावा नहीं है, वो सिर्फ एक पहाड़ की तरह है। तो ये हमारे तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। अब हम आगे चलते हैं जो है हमारा भूकंप, जिसको हमने कई बार महसूस भी किया है। भूकंप यानी अर्थक्वेक। अब मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और इसके नीचे ये प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स मूवमेंट कर रही है, इस प्लेट की स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसकी ज्यादा हो गई, प्लेट आकर से एकदम से इसी जोर से टकरा गई। जब भी कोई दो चीज टकराती है तो उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है, वही वाइब्रेशन अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक कहलाती है, क्योंकि प्लेट्स बड़ी बड़ी और भारी होती है, इस वजह से वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप घर पर एक थाली लीजिए, उसमें कुछ चावल के दाने रखेंगे, उस थाली को जोर से थप्पड़ मारेंगे, आप देखेंगे कि उस चावल के दाने एकदम से हिलने लगे, उछलने लगे। तो इसी तरह यहाँ होता है, इन प्लेट्स के टकराने से मूवमेंट और वाइब्रेशन होती है, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अब ये अर्थक्वेक महसूस कैसे होता है, तो इस अर्थक्वेक से वाइब्रेशन इस तरह बनती है। जितनी दूर वाइब्रेशन जाएगी उतनी दूर अर्थक्वेक का इफेक्ट रहेगा, और जो पास की वाइब्रेशन होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। जहां पर अर्थ के ऊपर ये बिल्कुल सेंटर होगा, इस सेंटर को बोला जाता है एपिसेंटर। और ये जो प्लेट्स की डायरेक्शन है, यानी प्लेट्स इस डायरेक्शन में, अगर हमारी प्लेट्स इस डायरेक्शन में होती तो भी सेंटर ये बनता। जो प्लेट की डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को बोला जाता है प्लेट बाउंड। तो इस तरह से हमारा अर्थक्वेक आता है। अब जो अर्थक्वेक आता है, इसकी शक्ति को हम मापते हैं रिक्टर स्केल में। हमारे अर्थ पर हर मिनट कहते हैं कि भूकंप आते रहते हैं। ये अगर भूकंप हमारा 0 से 5 तक का होगा तो हमें कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा, अगर 0 से 3 तक का है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया भी है। 5 से 6 तक का भूकंप हमको अच्छे से महसूस होगा, और 6 से ऊपर के जितने भी भूकंप हैं वो सभी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और वो भूकंप तबाही ला सकते हैं। उदाहरण के लिए 2015 नेपाल में भूकंप आया था, इस भूकंप की शक्ति थी 7.8 रिक्टर, और इस भूकंप में लगभग 22,000 लोग मारे गए थे। ऐसा ही भूकंप भारत में भी आया था 2001 में, आप उसे तो कोई शायद ही पैदा हुआ हो। 2001 में वो भूकंप आया था गुजरात के भुज शहर में, जिसकी मैग्नीट्यूड थी 7.7 रिक्टर, और इसमें लगभग 16,000 लोग मारे गए थे। तो भूकंप बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा तबाही होती है, और इन भूकंप को रोकने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम नहीं बता सकते कि कौन सा भूकंप कब आ जाएगा। अब तीसरा जो हमारा सडन मूवमेंट से इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को हिंदी में कहा जाता है भूस्खलन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि एक पहाड़ है और इस पहाड़ के इधर कुछ बस्ती है, घर हैं, पेड़ हैं, लोग हैं। अब पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं यहां वाली, ये आपस में टकराई और इन प्लेट्स के टकराने से इस पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया। ये पहाड़ का हिस्सा टूटकर यहाँ की जो मिट्टी है बहते बहते इन सबको दबा गई, इसको कहा जाता है लैंडस्लाइड, यानी कि ये जो लैंड थी स्लाइड होकर आगे चली गई। तो ये इफेक्ट्स, तीनों इफेक्ट्स वोल्केनो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होते हैं सडन फोर्सेस के कारण, जो अर्थ के अंदर ही पैदा होती हैं और जिनका आधार होता है ये प्लेट्स, जो हमारे अर्थ के अंदर ही होती हैं। अब जो एक्सोजेनिक फोर्स है उनके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।